हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत, स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको इस चैप्टर के जो चैप्टर है एलुजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे, तो इसके मैंने आपको 7 स्टेंजा करवा दिए हैं। इसके लास्ट के अभी 2 स्टेंजा और बचे हैं, तो आज मैं आपको इसका 8th स्टेंजा करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इस स्टेंजा के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, देयर लॉट और वेड नॉर सर्कमस्क्राइब्ड एलोन। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि जो उनकी स्थिति थी, किनकी गरीबों की जो स्थिति थी, उनको रोक रखा था उस गरीबी ने, और उनको जो है अलोन यानी कि अकेलेपन, अकेलेपन ने क्या किया था, सर्कमस्क्राइब्ड मीन्स घेरना, घेर लिया था। दे आर ग्रोइंग वर्चूज बट दे आर क्राइम्स कन्फाइंड। ठीक है, ये ना तो अपने गुणों को बढ़ा सके, वर्चूज मीन्स होता है गुण, जो ये गरीब है ये ना तो अपने गुणों को बढ़ा सके, बट दे आर क्राइम्स कन्फाइंड, और ना ही ये कोई क्राइम कर पाए, ना ही इन्होंने कोई अपराध भी कर पाए। माने ये गरीबी की वजह से ना तो अपने गुणों को ही बढ़ा सके, और ना ही, या फिर उन्होंने गरीबी के कारण कोई क्राइम कर दिया हो, कोई अपराध कर दिया हो। ठीक है, फोर बेड टू बेड थ्रो फ्लाउटर टू आ थ्रोन। इन्होंने किसी को भी ना तो गद्दी से उतारा, और ना ही उस गद्दी के लिए किसी का खून किया। स्लाउटर मीन्स होता है खून खराबा करना। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और ना ही इन्होंने इंसानियत के लिए कभी भी दया के दरवाजे बंद करे। ठीक है, अब रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। ठीक है, दीज लाइन्स ऑक्योर इन एलुजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, एलुजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड विच इज द मोस्ट वाइडली रीड पोयम इन इंग्लिश। ये जो है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, वाइडली अधिक तौर तरीके से पढ़ी जाने वाली इंग्लिश लैंग्वेज की एक पोयम है। इट इज आल्सो द मोस्ट पॉपुलर पोयम ऑफ थॉमस ग्रे, और ये थॉमस ग्रे की भी सबसे प्रसिद्ध पोयम है। इन दिस पोयम, इस पोयम में ही हैज संग ऑफ द पुअर, वह गरीबों की तरफ से बोलता है, गरीबों का साथ देता है। निग्लेक्टेड हम्बल फॉल्क ऑफ द कंट्री साइड, जिसके जो जो कि उनको निग्लेक्टेड कर दिया गया है, नकारात्मक रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है, कि गरीबों की कोई वैल्यू ही नहीं रखी है। हम्बल फॉक ऑफ द कंट्री साइड, और ये हम्बल फॉक गा रहा है कहाँ पर, कंट्री साइड, गरीब गरीब लोगों के लिए, गरीब गांव के लोगों के लिए। ही लेमेंट्स अ लॉट द लॉट ऑफ द पुअर फार्मर्स, वह विलाप करता है, दुख व्यक्त करता है बहुत सारा ऑफ द पुअर फार्मर्स, गरीब किसानों का। हु ले वरीड इन द चर्च यार्ड, जो चिंतामय रूप से चर्च यार्ड यानी कि शमशान में लेटे हुए हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन दीज लाइन्स ग्रे डिफेंड्स द ऑब्सक्योर लॉट ऑफ द
इन लाइनों में ग्रेट डिफेंस यानी कि रक्षा करता है किनके, गरीबों के अधिकारों की, निग्लेक्टेड विलेजर्स और जो निष्क्रिय कर दिए गए हैं गांव वाले उनकी, हु कुड हैव इन्फ्लुएंस्ड, जो प्रभाव डाल सकते थे द वर्ल्ड दुनिया पर, इफ अगर दे हैड बीन गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज, अगर उन्हें सही तरीके से अपॉर्चुनिटीज यानी कि अपॉर्चुनिटीज मिली हुई हों, मिली हों, देयर पॉवर्टी उनकी गरीबी एंड लिमिटेड रिसोर्सेस और सीमित संसाधन, नॉट ओनली चेक्ड द डेवलपमेंट, ना केवल उनके विकास को रोका उन्होंने, ऑफ देयर वर्चूज और उनके गुणों को रोका, बट आल्सो लेकिन सेव्ड देम फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स, पर उन्होंने उनको गलत काम यानी कि अपराध करने से भी बचा लिया, विच आर कमिटेड बाई द एम्बिशियस, जो महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा किए जाते हैं, एंड द रिच मैन और अमीर व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, टू अटेन हाई पोजीशन, अच्छी पोजीशन यानी कि बड़ा पद प्राप्त करने के लिए। जो बड़े लोग होते हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, वो अपराध भी करते हैं हाई पोजीशन पर जाने के लिए, ठीक है। इट इज जनरली सीन, यह सामान्यता देखा गया है, दैट कि एम्बिशियस पीपल इवन स्टूप, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो झुक जाते हैं, टू मर्डर्स एंड ब्लडशेड, खून करने के लिए, कत्ल करने के लिए, एंड ब्लडशेड रक्तपात करने के लिए, टू फुलफिल देयर एम्बिशंस, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने टारगेट्स, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। पावर हंग्री पीपल, जो शक्ति के भूखे लोग होते हैं, पावर के भूखे लोग होते हैं, ऑफ्टन अक्सर इंडज इन ब्लडशेड एंड मर्सीलेस क्रूएलिटीज टू ऑक्युपाई थ्रोन, माने जो शक्ति यानी कि पावर में, पावर के भूखे लोग जो होते हैं वो अक्सर रंग जाते हैं रक्तपात में और दयाहीन हो जाते हैं, क्रूएल्टीज हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं, टू ऑक्युपाई थ्रोन यानी कि पद प्राप्त करने के लिए, सिंहासन प्राप्त करने के लिए। दीज सिंपल एंड हम्बल विलेजर्स, ये जो सामान्य और दयावान विलेजर्स गांव वाले होते हैं, एट लीस्ट वर नॉट गिल्टी ऑफ सच क्राइम्स, इनको किसी भी चीज का गिल्ट नहीं होता है ऐसे क्राइम्स का, ऐसे अपराध करने का इनको कोई भी गिल्ट नहीं होता है। दे नेवर इंडल्ज्ड इन क्रूअल एंड मर्सीलेस एक्ट्स, वो कभी भी इनमें लिप्त नहीं होते, किनमें, क्रूअल निर्दयी और दयाहीन एक्ट्स कार्यों में, लाइक द एम्बिशियस पीपल, जिस तरह से एम्बिशियस पीपल यानी के महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। दस फिर भी इन अ वे, एक तरीके से, देयर सिंप्लिसिटी एंड ऑब्सक्योरिटी वर आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसीलिए एक तरीके से उनकी जो सिंप्लिसिटी है, उनका जो सादापन है, एंड ऑब्सक्योरिटी यानी कि उनको अंधकार, उनका जो अंधकार है, वर आ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो श्राप होकर भी एक वरदान है, ठीक है। कमेंट्स पढ़ते हैं।
द पोएट इन दीज लाइन्स, पोएट इन लाइनों में कंपेयर्स तुलना करता है द नोबल लाइफ, सादा जीवन ऑफ द विलेजर्स, महान जीवन ऑफ द विलेजर्स, गांव वालों का, विद द डिग्रेडेड सिटी लाइफ, जो शहर की तुच्छ जिंदगी जैसे है। किससे? गांव वालों की जो छोटी जिंदगी होती है, महान जिंदगी होती है, सादगी भरी जिंदगी होती है, उसकी तुलना करता है डिग्रेडेड सिटी लाइफ, शहर की एक खराब या बेकार सी जिंदगी से। द विलेजर्स वर सेव्ड फ्रॉम क्राइम्स, जो गांव वाले हैं वो बचे बचे होते हैं किससे? अपराध करने से। विच प्रूव्स दैट, जो ये साबित करता है कि दे वर सर्टेनली ग्रेटर, वे महान हैं किससे? देन द रिच सोशल क्रिमिनल्स, जो रिच सोशल सामाजिक अत्याचारी हैं बड़े लोग, ठीक है। देयर वीकनेस ऑफ रिमेनिंग बैकवर्ड, उनकी जो कमजोरी है पीछे रहने की, वॉज कंपेंसेटेड बाई देयर इनोसेंस एंड वर्च्यूज, वो जो है उनके गुणों के और उनको आगे बढ़ने नहीं देती। दस इसीलिए इट इज ए ग्रेट ट्रिब्यूट टू द पुअर, और यह बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट है किसके लिए? गरीबों के लिए, ठीक है। तो आज हमने सेकंड लास्ट इसका स्टैंजा कर लिया है। ये जो चैप्टर है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसके मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा करवा रहा हूँ, इसका ये सेकंड लास्ट स्टैंजा था। और अगली क्लास में जो है वो हम लास्ट स्टैंजा लेकर आएंगे आपके लिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आपका हमारी वीडियो देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।